हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स बाय ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन विद इन यू कैन से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप बोल सकते हैं, अचानक आप बोल सकते हैं, क्या मिरेकल्स ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपका इंतजार कर रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, बट वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो सकता है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। तो यहाँ पे है द डेजर्ट प्रिंस। ओके, वी डू हैव द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी। यहाँ पे है सन कार्ड, यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस कार्ड, जो यहाँ पे है द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रिस्ट का कार्ड आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का ही जो नंबर होता है वो है 2। एनीवे, द ईगल किंग, द बिग पिक्चर एंजेलिक हेल्प, वी डू हैव द स्पाइरल डांसर, ओके, एंड वी डू हैव द क्वीन ऑफ द लाइट 15 नंबर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हॉर्स किंग। ओके, अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है, मैं थोड़ा साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पे है सिंह राशि, यहाँ पे है मीन राशि, यहाँ पे है ओके टॉरस वृषभ राशि, यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। बाकी साइंस जो जब हम और भी टैरो कार्ड्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा, दीज आर द ओरेकल कार्ड्स। एनीवे, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है अचानक से आपका मुलाकात या आपकी इंट्रोडक्शन किसी ऐसे इंसान से हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा अपने फील्ड पे एक यू कैन से एक्सपर्ट आप बोल सकते हो, एक ऐसे प्रोफेशनल आप बोल सकते हैं, या ऐसे इंसान हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन समाज में आप बोलो, ठीक है, सोसाइटी समाज कहीं पे भी बोलो बहुत ज़्यादा है। मे बी दे आर वेल नोन सेलिब्रिटीज़, ऐसा भी हो सकता है कि उनका अपना फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर है। ऐसे किसी इंसान से मिलने के बाद, अचानक से टकराने के बाद आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे आप जिस लेवल पर भी हैं, अचानक से भी आप देखेंगे कि आपका लेवल जो है वो अपग्रेड हो रहा है। जिस तरह से कोई भी सिस्टम का, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लॉ हो, ठीक है, चाहे वो कानून हो ऑब्वियसली, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे हमारे सोच हो, बदलाव होगा ही। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन आवर लाइफ एंड इन द यूनिवर्स ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस नज़रिए से आप देखते थे, मे बी आप सब्जेक्टिव वाइज देख रहे थे, आप अपने तरफ सोच के वो चीज़ आप देख रहे थे, आप इनफैक्ट आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन जब आप फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा गलती था तो मुझे यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेना चाहिए ताकि मैं हायर लेवल तक मैं पहुँचूँ। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप अगर आपके शारीरिक मानसिक तकलीफ में आप थे, सो कहीं ना कहीं पे किसी के एडवाइस से, किसी के मेडिकेशंस से, किसी के हो सकता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, किसी के हो सकता है कि वास्तु दोष निवारण के वजह से, मतलब हटाने के वजह से आपके स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन आएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे बर्दा जो है, एवरीवन नो गेट्स एक्साइटेड। प्रीवियसली अगर आप कभी भी कोई ड्रामा या
कहीं पे भी आप गए थे जहाँ पे रियल, मतलब ऐसा नहीं कि वो थिएटर मूवी हॉल का हम बात कर रहे हैं, अगर आप कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो पहले क्या है, कर्टन दिया हुआ रहता है, उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स या रोल प्ले करते हैं लोग, स्क्रीन हट जाता है, फिर वो लोग आ जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर वो चला जाते हैं बैक ऑफ द स्टेज, उनकी कहीं ना कहीं पे रोल्स जो है उसके लिए जो पोशाक होते हैं, कहीं ना कहीं पे मेकअप होते हैं, कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड। सो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आपको पता चलेगा, एंड मेनी थिंग्स विल कम इन टू द मेन पिक्चर। कुछ लोगों के लिए ये भी आपको, मतलब ऐसा भी होगा कि कुछ समय से आप अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे थे, आप बेबस थे, और आपको ऐसा लग भी रहा है कि शायद मैं अपना सिचुएशन को कभी ना बदल पाऊँ, शायद मुझे किसी के अंडर काम करना ही पड़ेगा, मैं शायद अपना बिजनेस नहीं एस्टेब्लिश कर सकती, नहीं एस्टेब्लिश कर सकता, शायद मुझे दूसरे का सुन के ही करना पड़ेगा, आई हैव टू बी को डिपेंडेंट। बट ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि आपका रास्ता जो है खुल रहा है, इवन आप लोगों के ऊपर जो है हुकूमत चला रहे हैं, आपका भी ताकत बढ़ रहा है, लेकिन इन अ सटल वे आप बिहेव करोगे। मतलब क्या है ना, ताकतवर हो जाने से एग्रेसिव वे में भी बिहेव किया जा सकता है, और पूरी तरह से हम्बल वे में भी बिहेव किया जा सकता है। स्ट्रेंथ शुड नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन, स्ट्रेंथ शुड बी शोन इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से, आप पावर, बेसिकली नॉट टू डोमिनेट पीपल, लोगों की डोमिनेट करने के लिए नहीं, बट उनको एक हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह से बोला जाता है कि एजुकेशन हमें वो सिखाते हैं कि हम कैसे लोगों की हेल्प करें, लोगों की किस तरह से सेवा करें, तो ही वो होता है करेक्ट एजुकेशन। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। सो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो सकता है, वी डू हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी डू हैव द टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देखो स्ट्रेंथ की बात हम कह रहे थे, ओके, यहाँ पे है हायरोफेंट, यहाँ पे हायरोफेंट 2 टाइम्स है, वी डू हैव द फूल कार्ड, आई होप यू कैन चेक इट आउट, द डेथ कार्ड, और यहाँ पे है पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ओके, आई होप यू कैन चेक आउट प्रॉपरली। ठीक है, तो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ तो बदल जाएगा आपके लाइफ में परमानेंटली ऑल ऑफ अ सडन, और फिर उस दौरान भले ही आपको अपना जो दुनिया है वो थोड़ा सा लगे अरे ये तो हिल रहा है, ये तो हिल रहा है, बट हिलने के बाद भी ठीक है, आप देखेंगे दैट देर विल बी द न्यू डेवलपमेंट इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बहुत पुराना एक ज़मीन है और उसमें कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन है जो एकदम बेकार सा, कोई नहीं रह सकते, यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऐसे ही रख दे? नो, इट कैन बी मेड यूजेबल, हाउ, यू हैव टू मेक अ न्यू कंस्ट्रक्शन, फिर लोग भी रह पाएंगे और भी काम के लिए यूज़ हो पाएगा। सो यहाँ पे अगर कुछ रिश्ते खराब हो गए थे, इसका मतलब नहीं है दैट इट विल बी इन दिस कंडीशन परमानेंटली, कोई और रिश्ते के साथ आपका यहाँ पे अटैचमेंट भी हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली आई डू थिंक सो दैट आपका प्यार आपके लिए एक ताकत बनेगा, आपका प्यार आपकी कमजोरी नहीं बनेगा, ताकत बनेगा, उस ताकत से आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली योर कम्युनिकेशन स्किल विल बी एट इट्स लेवल बेस्ट, आप लोगों को कन्विंस करेंगे, लोगों को समझा पाएंगे, एंड डेफिनेटली विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एनी थिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। कुछ कुछ भी चीज़ को समझना बहुत दूर तक, एक लेवल तक समझ में आ जाएगा जो नहीं हो पाता था, आपको ऐसा लगता था कि शायद ये सब्जेक्ट जो है ना मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऑब्वियसली पड़ेगा वो। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, दैट सम नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में हो, तो हो उसको आपको शायद ऑल ऑफ अ सडन आपको पता भी चले और आप उसका कुछ यहाँ पे
वास्तु शास्त्र जो दोष होते हैं वहाँ पे वास्तु में, उसको शायद अब परमानेंटली ठीक है सही कर दें, किसी की सहायता से करें या किसी के कंसल्टेशन से करें, बट आप करेंगे जरूर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है न्यू चेंजेस इन योर करियर एंड मे बी आपके कंपनी से कुछ ऐसा डेवलपमेंट या कुछ ऐसा मतलब टेक्नोलॉजिकली चेंजेस आएंगे जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस चैप्टर को आप ख़त्म कर चुके थे वहाँ से फिर से कुछ नया बन भी सकता है। किसी के साथ एक सेलिब्रेशन, किसी के साथ डेटिंग ऑब्वियसली, एंड मे बी योर मैरिज विल गेट कन्फर्म्ड और नॉट, दैट इज़ नॉट द मैटर, पर उनके साथ आपका एक हेल्दी डिस्कशन ये तो होगा ही। तो बहुत कुछ चीज़ मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, एंड मेक श्योर दैट ऑब्वियसली यू डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और ज़रूर याद रखें कि दिस इज़ अ जनरल प्रोडिक्शन एंड इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट आई वॉन्ट दैट इट शुड रेजोनेट विद यू। सो थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड